हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द भारत टॉक्स पे। बात करें गुरुग्राम के सेक्टर 12 की, जहाँ पे खुले में नमाज होती थी। एक नहीं, दो नहीं, काफी जगह गुरुग्राम में वहां पे खुले में लगातार नमाज होती रही। इससे क्या हुआ, सारे हिंदू संगठन यहाँ पे विरोध दर्ज करा रहे थे, लेकिन जो भी विरोध कर रहा था उल्टा पुलिस उन्हीं को पकड़कर अंदर डाल रही थी, क्योंकि यहाँ पे हिंदू संगठन एक साथ नहीं आ रहे थे। लेकिन इस बार उल्टा देखने को मिला। गोवर्धन पूजा यहाँ पे की गई। जहां पे नमाज होती थी खुले में, वहां पे इस बार गोवर्धन पूजा की गई। जितने भी हिंदू संगठन है, VHP है, विश्व हिंदू परिषद, चाहे से बजरंग दल है, सारे एक साथ यहाँ पे आ गए और बहुत बड़ा यहाँ पे आयोजन हुआ। कपिल मिश्रा जो है BJP के, वो भी वहां पे मौजूद रहे और यहाँ पे जितने भी जिहादी है वो यहाँ पे भड़क उठे। बात करें असदुद्दीन ओवैसी की, तो वो भी यहाँ पे जहर उगलने लगा। इस पे सारी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर ओवैसी ने इस पे क्या रिएक्शन दिया, ओवैसी ने क्या बोला। ओवैसी ने एक ट्वीट किया, उसमें लिखा, गुरुग्राम में शुक्रवार की नमाज का विरोध इस बात का सटीक उदाहरण है कि ये प्रदर्शनकारी कितने कट्टरपंथी हो गए हैं। ये मुसलमानों के प्रति सीधी नफरत है। सप्ताह में एक बार 15-20 मिनट के लिए जुम्मे की नमाज अदा करना किसी को कैसे आहत कर रहा है। ये कहा यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी ने, उस ओवैसी ने जो यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि 15-20 मिनट के लिए हर सप्ताह एक बार नमाज अदा करनी है। लेकिन यहाँ पे गोवर्धन पूजा जब यहाँ पे एक बार हो गई साल में, उसमें सबके मिर्ची लग गई और यहाँ पे तरह तरह के लिब्रांडो सामने आ गए और लगातार यहाँ पे ट्वीट करते रहे। बात करें कपिल मिश्रा की, तो उन्होंने यहाँ पे कह दिया कि साफ साफ कि हिंदू संगठन को एक साथ यहाँ पे एकजुट रहना पड़ेगा और यहाँ पे उसी की ताकत का परिणाम है कि यहाँ पे 7-8 जगह प्रशासन ने पहली बार यहाँ पे अनुमति नहीं दी खुले में नमाज पढ़ने की। ये है यहाँ पे हिंदू संगठन की ताकत। तो कपिल मिश्रा ने यहाँ पे क्या बोला, सबसे पहले मैं आपको वो भी वीडियो दिखा देता हूँ। जब गोवर्धन पर्वत को भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पे उठाया था, तब भी किसी को मालूम नहीं था कि इस प्रकार का कोई चमत्कार हो सकता है। और यहाँ पर हिंदू संयुक्त समिति ने जो कार्य किया है, ये गोवर्धन को उंगली में उठाने के बराबर महान कार्य आप लोगों ने किया है। ये इतिहास में आपका ये काम, जब भी फ्रीडम की बात आएगी, स्वतंत्रता की बात आएगी, अभिव्यक्ति की आजादी की बात आएगी, नागरिकों के अधिकारों की बात आएगी, सुरक्षा की बात आएगी, साहस और हिम्मत के लिए, अपने संविधानिक अधिकारों के लिए जेल जाने से भी ना डरना, ये आजादी की लड़ाई जैसी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी है, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कल दिवाली का दिन था और बहुत सारे फरमान, ऑर्डर, तानाशाही ये पूरे देश में हिंदू समाज के ऊपर थोपी गई, तो क्या हुआ, क्या हुआ उसका नतीजा, ये बात सबको समझनी होगी कि जितना दबाओगे, जितना अत्याचार करोगे, हम बड़े शांति से रहने वाले लोग हैं, व्यक्तिगत मानते हैं अपने धर्म को, सार्वजनिक नहीं मानते हैं, लेकिन अगर दबाओगे तो वही होगा जो कल रात को पूरे देश में हुआ है। आपको समझना होगा, हमारे व्यक्तिगत जीवन में गैर जरूरी दखलंदाजी बंद कीजिए। सड़कें क्या होती हैं, सड़कों का उपयोग अपनी राजनीति के लिए मत कीजिए। हमने शाहीन बाग में देखा था, ये सारी सड़कें बंद करके क्या तमाशा किया गया था, क्या हुआ, हो गया सीए वापस, हो गया। सड़कें और शरीर में बहती चलती हुई धमनियां और नसें ब्लॉक नहीं की जा सकती, शरीर रुक जाता है, और सड़कें ब्लॉक नहीं की जा सकती, शहर और देश रुक जाता है। आपको ये बात समझनी होगी, क्योंकि जो चित आप पाल रहे हो, वो चित अगर हम करने लगे, तो हफ्ते का ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हमारी कोई पूजा ना होती हो। और शुक्रवार को तो वराह अवतार की पूजा होती है। भारत के संविधान में सबको बराबरी का अधिकार है। सड़कें बंद करना, रास्तों को रोकना, ये किसी धर्म का हिस्सा हो नहीं सकता,
होना नहीं चाहिए। गुरुग्राम एक मेट्रोपॉलिटन ऋषि द्रोण के शिष्य और वंशजों की अंश की भूमि, दुनिया में जाना माना शहर, यहाँ पे आप सड़कें रोक देंगे, दिल्ली में रोक देंगे, ये सड़कें रोकना धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता, ये देश को, अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को, इनको रोकने का काम है। सड़कों पर सबसे पहला हक है सड़क पर चलने वाले का, मन से उन वहाँ पे दुकान व्यवसाय चलाने वाले का, और मंच के सड़क का उपयोग अस्पताल है और यहाँ लोग हैं दफ्तर अपने काम स्कूल जाने के लिए करने वालों का, गिरफ्तार होने के बाद और अगर कहीं पे लोकल सिटीजन स्थानीय निवासी ऑब्जेक्ट करते हैं तो उसके बाद तो बिल्कुल किसी का कोई संवैधानिक हक बचता ही नहीं है सड़क पर बैठने का। जय श्री राम। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, ये तो साल में एक दिन आने वाली गोवर्धन की पूजा है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, लेकिन इस उदाहरण को आप समझिए कि अगर ये ही करने लगे आपके जवाब में तो सड़कें सबकी बंद हो सकती हैं, रास्ते सबके बंद हो सकते हैं। इसीलिए परस्पर सम्मान के साथ, एक दूसरे की इज्जत के साथ, आप अपने जो निर्धारित धर्म स्थान है उसके अंदर अपनी पूजा व्यवस्था कीजिए। इस देश में सबसे ज्यादा भूमि आपके वक्फ बोर्ड के पास है, वहां पर अपनी पूजा की व्यवस्था कीजिए। लेकिन ये जिद और उसके बाद बाहर से लोगों को बुला के भीड़ इकट्ठी करना। अब बात करते हैं आखिर विरोध कौन कौन कर रहा था। काफी सारे हिंदू संगठन इसमें लगातार यहाँ पे आ रहे थे, जो भी यहाँ पे खुले में नमाज अदा कर रहे थे उसकी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने का सबसे ज्यादा विरोध करने वाले हिंदू संगठन का नाम है संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति। इस संगठन ने यहाँ पे साफ साफ चेतावनी देते हुए भी कहा था कि अगर गुरुग्राम प्रशासन मुस्लिमों को खुले में नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकेगा तो वे इस काम को पूरा करेंगे। इसके लिए उन्होंने गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर से भी मुलाकात की थी, उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा था। इसके बाद में मीडिया को यहाँ पे उन्होंने कहा था कि हम एक विनम्र चेतावनी दे रहे हैं, हम इसके बाद में किसी प्रकार का ज्ञापन नहीं देंगे, इसके बाद शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, हमारी नहीं। हम लाठियों के लिए तैयार है, हम जेल जाने के लिए भी तैयार है। इस तरह से यहाँ पे खुला ऐलान कर दिया था, एक बार ज्ञापन दे दिया, अब यहाँ पे कोई भी ज्ञापन नहीं दिया जाएगा, सब मिलकर यहाँ पे एक साथ आएंगे, चाहे लाठियां पड़े चाहे जेल में डाले। साफ साफ यहाँ पे हिंदू संगठन ने यहाँ पे साफ साफ ऐलान कर दिया था। उसके बाद में यहाँ पे पहली बार हुआ है कि 8 जगह यहाँ पे प्रशासन ने अनुमति नहीं दी और यहाँ पे भव्य आयोजन हुआ गोवर्धन पूजा का। खैर आपका क्या कहना है इसके बारे में, कपिल मिश्रा की बात से क्या आप सहमत है नीचे आप कमेंट करें, और यहाँ पे हिंदू संगठन के बारे में आपका क्या कहना है नीचे आप कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दे, ज्यादा शेयर करें, सभी तक पहुंचाए, और जाने से पहले काम जरूर कर दे, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, पास में जो घंटे का निशान है उसको जरूर दबा दे ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा चैनल पे, वहां जाके ज्वाइन कीजिए, और अगर ज्वाइन नहीं कर सकते तो ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे के निशान को दबाइए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।